हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि YouTube की तरफ से मुझे क्या मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 50 रुपये का Paytm कैश चाहिए तो उसके लिए मैंने एक ऐप का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उस ऐप को उस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 50 रुपये का Paytm कैश इंस्टेंट मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये है गूगल का एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन। ये आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, ये सारा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर कोई सवाल बाय चांस रह जाए तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, आपको पता रिप्लाई तो मैं करता ही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये आपको मिलता कब है। जब आपके गूगल के एडसेंस के अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको ये मिलता है। अब आपको बताऊंगा मिलता कैसे है ये, ठीक है। वो तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी, अब बताऊंगा इसका पूरा क्राइटेरिया, मतलब सारा, ठीक है। देखिए, अभी मेरे पास मेरे $10 कंप्लीट हो गए थे तो मेरे पास एक मेल आया, यू हैव कम्प्लीटली $10 टारगेट, पता नहीं क्या था वो, तो आया बहुत सारा लिखा था, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने अपना गूगल के एडसेंस का अकाउंट खोला, उसके बाद मैंने गूगल के एडसेंस में अपना क्या हुआ, उनने मेरी फोटो आईडी प्रूफ, मतलब फोटो आईडी प्रूफ मांगा कोई, तो मैंने वो स्कैन करके अपलोड कर दिया। उसके बाद मेरे पास आया भाई, मुझे नीचे अपना नाम और एड्रेस डालना था जिससे मेरे पास ये आता, ठीक है। मैंने वो डाला, उससे लमसम जब भी मैंने डाला उसके 5-6 दिन बाद मेरे पास ये आ गया। आए हुए 2-4 दिन हो गए, मैंने वीडियो थोड़ा इसका लेट बनाया क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, ठीक है। देख लेते हैं अब इसमें पूरा, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, क्यों आया पर वो तो बता ही दिया। देखिए, ये रहा मेरे पास यहाँ पे एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा वेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे पिन है। अब ये इस पिन को डालना कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्टेप बाय स्टेप, इन्होंने बता रखा है। सबसे पहले हमें अपने गूगल के एडसेंस के अकाउंट में जाना है, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेप 2 में सेटिंग में आकर उसके बाद पेमेंट पे आना है। फिर स्टेप 3 में यहाँ पे मुझे अपना अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में वेरीफाई एड्रेस पे क्लिक करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पिन डाल देना, जो कि मुझे ये पिन मिला है। जैसे मैं अपना पिन डालूँ तो मेरा ये एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं मुझे कहाँ से आया और कैसे आया। देखिए, ये मेरा एड्रेस है जो कि मैंने ब्लर कर रखा। उसके बाद जो ये ऊपर है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ से मिला है, जैसे कि देखिए यहाँ से ये इसके थ्रू ये स्पीड पोस्ट होके आया है। इफ़ इन केस अगर आपके पास ये नहीं आ पाता, आप इसके लिए 3 बार अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बाय चांस एक बार कोई दिक्कत हो गई, खो गया, फट गया, कुछ भी, तो आप इसके लिए 3 बार अप्लाई कर सकते हो, तो गूगल एडसेंस आपको 3 बार ये भेजेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता 3री बार भी, तो आपको इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं इफ़ अनडिलीवर्ड, अगर आपको ये नहीं पहुँचता है तो आपको इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। हर स्टेट के हिसाब से ये एड्रेस अलग होगा। जैसे मैं दिल्ली के हिसाब दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे दिल्ली के हिसाब से ये एड्रेस अलग है। अगर आप कहीं मतलब दूर वगैरह रहते हो तो सबके एड्रेस के सबके स्टेट देखी जाएगी, उसके हिसाब से आपको ये बताया जाएगा भाई आपको कहाँ पे आना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। कोई अगर कोई सवाल जवाब कुछ भी रह गया हो तो नीचे मुझे कमेंट में बता देना। तो दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड।